वेलकम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं लच्छा पराठा। देखिए कितनी अच्छी लेयर आई है लच्छे पराठे की। आप इस तरीके से बनाइएगा, आपका भी बिल्कुल परफेक्ट लच्छा पराठा बनकर रेडी होगा। चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। 250 ग्राम मैदा ले लेंगे हम एक बाउल के अंदर। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम 1/2 चम्मच नमक और 1 चम्मच चीनी। 1 बड़ा चम्मच इसके अंदर रिफाइंड ऑयल का ऐड कर देंगे। अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए मिक्स हो चुका है। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड कर हमें इसका सॉफ्ट डो बनाकर रेडी कर लेना है। जैसे नॉर्मल रोटी का आटा हम गूंथते हैं, इस तरीके से हमें इसका डो बनाकर रेडी कर लेना है। देखिए हमारा डो रेडी हो चुका है। चलिए अब इसे साइड में रख देंगे। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम ऑयल। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट डो बनकर रेडी हुआ है। अब ऑयल से इसे अच्छे से कवर कर देंगे और इसे अच्छे से ऊपर नीचे सारे में ऑयल लगा देंगे। अब इसे हम ढककर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। और 10 से 15 मिनट जब हो जाएंगे उसके बाद हम इसके पेड़े बना लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने ऑयल से कवर कर दिया है। अब इसे रख देंगे हम ढककर। चलिए ये हो चुका है। अब इसका हम रोल कर लेंगे थोड़ा सा और इसकी एक साइज़ की लोई बनाकर हम रेडी कर लेंगे इस तरीके से। देखिए इसी तरीके से हम सारी बनाकर रेडी कर लेंगे। अब हम इनकी लोइयाँ बना लेंगे, अच्छे से पेड़े बना लेंगे हम इसे सही से कवर करके। देखिए इस तरीके से हम सारे बना लेंगे और इसे एक साइड में रख देंगे। देखिए इस तरीके से हम सारे बनाकर रेडी कर लेंगे। चलिए ये हमारे सारे रेडी हो चुके हैं देखिए। और अच्छे से हमें लोई बना लेनी है। चलिए अब हम इसे बेलते हैं। और हम बेलन से नहीं बेलेंगे इसे, हम हाथ से ही इसका बड़ा करेंगे इस तरीके से देखिए। और ये श्रिंक नहीं होगा, मतलब सिकुड़ेगा नहीं, और ये आसानी से फैल जाएगा पराठा। चलिए ये हो चुका है। अब इसमें से बीच में से कट लगा देते हैं। अब इसे ऐसे ही रोल करते रहेंगे। देखिए इस तरीके से रोल कर लेंगे हम। अब इसको अच्छे से दबा दबा कर इसे अंदर की साइड में प्रेस कर देना है। देखिए इस तरीके से, इससे काफ़ी अच्छे लच्छे आते हैं पराठे के अंदर। और थोड़ा थोड़ा पकड़ कर हमें इसका अच्छे से प्रेस कर देना है अंदर की तरफ, और ये हमारी लोई बनकर रेडी हो जाएगी। देखिए इसी तरीके से हम सारे बनाकर रेडी कर लेंगे। और इसे अब हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। देखिए 10 से 15 मिनट बाद अब इसको हम ऐसे ही हाथ से बढ़ा लेंगे। चलिए ये हमारा पराठा रेडी हो चुका है। अब हम एक पैन ले लेंगे, उसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम ये रोटी। देखिए इस तरीके से हम इस पर रख देंगे और जब एक तरफ से थोड़ा सा सिक जाएगा तो इसे पलट देंगे। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम ऑयल और अब इसे पलटकर अच्छे से हम तल लेंगे। देखिए हमारा रेडी हो चुका है। इसी तरीके से हम सारे पराठे बनाकर रेडी कर लेंगे और लच्छे पराठे बनकर हमारे रेडी हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब इसे हाथ से हम क्रश कर लेंगे ताकि इसकी लेयर अच्छे से दिख जाए। देखिए बनकर रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।